आस्था साल में सिर्फ नागपंचमी के ही दिन क्यों खुलता है यह मंदिर, जाने इसका रहस्य। 5 अगस्त को नागपंचमी है। इस त्योहार का महत्व बहुत है। हिंदू धर्म में हर साल नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग को भगवान शिव का सबसे प्रिय बताया गया है। नागों का वास भगवान शिव के गले में होता है। वैसे तो भारत में कई नाग देवता के मंदिर है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो साल में एक बार ही खुलता है। आइए जानते हैं क्या है उस मंदिर की विशेषता। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी पर ही दर्शन के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पछाया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्पछाया पर विराजित हैं। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। क्या है पौराणिक मान्यता, सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हुआ। वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नागपंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्पदोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज रणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभु की उन्हें एक झलक मिल जाए। लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन करते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है।